Hello students, I am Sarika Seth, I am your Hindi teacher. बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा दो हिंदी दो नवीन पल्लव पार्ट आठ अलीमा की नन्ही बिल्ली पार्ट टू अध्यापिका सारिका से. बच्चों, इस वीडियो में हम आज नवीन पल्लव का पार्ट आठ का पार्ट टू बनाएंगे. पार्ट वन में बच्चों मैंने आपको ये पूरी कहानी आपको सुनाई थी, पूरी कहानी आपको एक्सप्लेन की थी. तो बच्चों, इस वीडियो में मैं एक बार आपको बस ये कहानी पूरी रीड करूंगी और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे छोटी सी इसकी. तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों. पांच आठ अनिमा की नन्ही बिल्ली कहानी. पार्ट से पहले नन्ही बिल्ली पूसी के प्रति अनिमा के परिवारजनों की नापसंदी एवं एक घटना के माध्यम से पुनः पूसी का प्रिय हो जाना इस कहानी को रोचक बना देता है. बच्चों, पहले मतलब पूसी को, पूसी बिल्ली जो है वो अनिमा की बिल्ली है, वो पालती है और उसको एक घटना उनके घर में ऐसी होती है कि पहले उसके परिवार वाले उसको पसंद नहीं करते. और कौन सी ऐसी घटना होती है जिससे उसके परिवार वाले उसको पसंद करने लगती हैं, ये इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ. तो हम पढ़ते हैं इसमें क्या है. अनिमा उस नन्ही बिल्ली को क्या ले आई, मानो मुसीबतों का पहाड़ ही खड़ा कर लिया. सफेद रोएदार बड़ी सुंदर थी वह नन्ही बिल्ली. अनिमा उसे गोद में लेते ही आंखें मूंद बड़ी मीठी सी आवाज में म्याऊं म्याऊं करने लगती. कितनी शांत है यह बिल्ली, पर घर का और कोई व्यक्ति उस बिल्ली को जरा भी पसंद नहीं करता. किसी को भी वह फूटी आंखों नहीं सुहाती थी. अपनी हरकतों से वह है सबके लिए सिरदर्द बनी हुई थी. कितनी झंझट खड़ी कर देती थी वह, अब क्या गिनाए. माँ कहती, अरे अनिमा, अपनी बिल्ली को तो खुद संभाले रखना. हाँ, करघरे पर बुनने के लिए मैंने जो सूत चढ़ा रखी है उसे देख तेरी बिल्ली ने सारे सूत को तोड़ तोड़ कर बर्बाद कर दिया. अब अनिमा बैठी बैठी करघरे के सूत जोड़ने लगी. बहन कहती, अरे तेरी बिल्ली ने मेरी ऊन की गद्दी को उलझा पुलझा कर बर्बाद कर डाला. अनिमा बिल्ली को थप्पड़ लगा बहन की उलझी पुलझी ऊन को सुलझाने लगी. बात को उसी से धीमे से पूछा, क्यों री पूसी, क्या ज्यादा चोट लगी है तुझे, आखिर तू इतनी नटखट क्यों है. पूसी आंखें बंद कहती, म्याऊं म्याऊं. यहां तक तो चलो सब ठीक था, लेकिन अचानक उस दिन एक ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई कि तूफान ही मच गया. अनिमा के पिता के पढ़ने लिखने की मेज पर ग्लोब रखा था. उस दिन पूसी उसी मेज पर चढ़कर उसी ग्लोब से खेल रही थी. वह हत्थे से ग्लोब को घुमा देती, फिर घूमते ग्लोब को पकड़कर रोक देती. उसका खेल देखकर अनिमा को भी बड़ा मजा आ रहा था. मगर एक बार जब पूसी घूमते ग्लोब को रोकने लगी तो अचानक वह ग्लोब उलट गया और पिता की सिहाई की दवात पर जा गिरा. सिहाई की दवात छिटक कर पिताजी की किताब कागजों पर उलट गई, फिर वहां से छिटक कर फर्श पर जा गिरी. किताब कागज मेज फर्श सब और सिहाई फैल गई. अनिमा चाहती थी कि चुपचाप सिहाई को धो डाले, मगर वह हाथ माँ के हाथों पकड़ी गई. शाम को पिताजी दफ्तर से लौटे, सब कुछ देखकर गुस्से के मारे गंभीर हो उठे. सिहाई गिरने से उनकी बहुत सी कीमती किताब कागज खराब हो गए थे, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा नहीं. शाम होने के बाद खुद बिल्ली को उठाकर बहुत दूर ले जाकर छोड़ आए. सब लोग सोच रहे थे, चलो बिल्ली के उपद्रवों से अब तो छुटकारा मिला. उपद्रवों माने बच्चों उत्पात. पर अनिमा रो रही थी, देर रात तक उसे नींद नहीं आ रही थी.
पर क्या करती आखिरकार अनीमा? रोती सिसकती सो गई। जाड़े की रात थी, मकान के दरवाजे खिड़कियां बंद कर सब लोग सो गए थे। अनीमा की नींद जरा सी खुली, उसे लगा उसके गाल पर नर्म नर्म सी कोई चीज लग रही है। उसकी आंखें खुल गईं, देखा अरे यह तो उसकी प्यारी भूसी है। कुछ सोचे समझे बगैर वह ऊंची आवाज में बोल उठी, पूसी मेरी पूसी तू आ गई। उसकी आवाज से पिता की नींद खुल गई। उसने उन्होंने सोचा मकान के सारे दरवाजे खिड़कियां तो बंद है, पूसी आखिर यहाँ कैसे आ सकती है? उतनी दूर से जरूर अनीमा सपने में बड़बड़ा रही है। तभी अचानक उनकी नजर दरवाजे पर पड़ी। अरे दरवाजा तो खुला हुआ है, लेकिन खुला कैसे? सोने से पहले ही उन्होंने तो खुद दरवाजे को बंद किया था। वे चौंक कर उठ बैठे। उनकी नजर पड़ी तो परछाइयों पर, जैसे कोई घर के अंदर से निकलकर जा रहा था। ऊंची आवाज में चीख पड़े, अरे चोर चोर! आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। एक खिड़की की छड़ को टेढ़ा कर चोर घर में घुस आए थे और दरवाजा खोल तो लिया, पर वे कुछ ले नहीं जा सके। उधर पूसी अनीमा का घर ढूंढती हुई वहां किसी तरह से पहुंचकर दरवाजे के पास दुखी हुई थी। चोरों ने जैसे ही दरवाजा खोला, वे चुपके से अंदर घुस आई और सीधे अपनी अनीमा के बिस्तर पर चढ़कर उसको जगाने लगी। उधर पूसी की चिंता में खोई अनीमा उसे देखते ही पुकार उठी, पूसी मेरी पूसी आ गई तू। बस सब लोग जाग गए। चोरों के निकल भागने के बाद अनीमा के पिता ने उसके हाथ से पूसी को अपनी गोद में ले लिया और प्यार से पुचकारते हुए बोले, हमारी अच्छी नन्ही पूसी, आज तो तेरे कारण हम बच गए। अनीमा की आंखों से बहते आंसू थम गए थे, उसके चेहरे पर खुशियां मुस्कुरा रही थी। तो ये है बच्चों, इसका जीवन मूल्य है, समय एवं परिस्थितियां अप्रिय को भी प्रिय बना देती हैं। तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज करेंगे, ये मैं रब कर देती हूं। ठीक है बच्चों, चलिए ये एक्सरसाइज सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करें। आप इसको नोट कीजिए, पहले नेक्स्ट हम करेंगे श्रुतलेख।
सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। श्रुतले नंबर वन, ऐसे करके लिख लीजिए, बिल्ली बिल्ली। नंबर टू पर रोएदार रोएदार। थ्री पर है हमारा थप्पड़ थप्पड़। फोर पर है बच्चों ग्लो ग्लो। फाइव पर है उपद्रव उपद्रव। और सिक्स पर है इकट्ठा इकट्ठा। ठीक है बच्चों, ये हमारे श्रुतलेख है। स्पेलिंग ये सभी बच्चों को करेक्ट लिखना है बिल्कुल। बा बाबे की मात्रा, छोटे की लाल आधा लाल पर ला और इकी मात्रा। बिल्ली रोएदार थप्पड़ ग्लो उत्तर और इकट्ठा। इसके बाद बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अनीमा जब बिल्ली को गोद में लेती तो बिल्ली क्या करने लगती थी? तो बिल्ली बच्चों क्या करती थी? आंखें मूंदकर बड़ी मीठी सी आवाज में म्याऊं म्याऊं करने लगती। तो हम 5-8 का केवल मैं आंसर लिखूंगी बच्चों, आप बुक से क्वेश्चन लिखेंगे। ये है हमारा का उत्तर, का प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। मैं बच्चों बस उत्तर उत्तर लिख रही हूँ, आप बुक से लिखिएगा। पहला है, अनीमा जब बिल्ली को गोद में लेती तो बिल्ली क्या करने लगती? यहां लिखेंगे हम, अनीमा जब बिल्ली को गोद में लेती, गोद में लेती, गोद में लेती तो बिल्ली क्या करती थी बच्चों? म्याऊं म्याऊं। तो बिल्ली म्याऊं 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 करने लगती, करने लगती। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। क्या है सेकेंड क्वेश्चन? है, अनीमा ग्लोब के साथ क्या कर रही थी? क्या कर रही थी ग्लोब के साथ? बच्चों अनीमा की जगह यहां पूसी है। हाँ जी, पूसी ग्लोब के साथ क्या कर रही थी? तो लिखेंगे हम, पूसी ग्लोब के साथ साथ खेल रही थी ना ग्लोब के साथ खेल रही थी। नेक्स्ट देखेंगे हम उत्तर नंबर तीन, सिहाई गिरने से क्या हो गया? सिहाई गिरने से क्या हो गया? तो हम आंसर लिखेंगे, सिहाई गिरने से अनिमा के पापा के बहुत से
किताब कागज, किताब कागज, किताब कागज खराब हो गए थे, हो गए थे। ठीक है बच्चों, बहुत से कीमती कागज खराब हो गए थे। और नेक्स्ट है हमारा, चोर के निकल भागने के बाद अनीमा के पिता ने क्या क्या किया। तो बच्चों ये ऊपर मैं रब कर रही हूँ, यहाँ पर एक ऊपर आंसर लिख रही हूँ मैं, ये पूरा रब कर देती हूँ मैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए बच्चों, इसलिए फोर आंसर हम लिखेंगे। चोर के निकल भागने के बाद अनीमा के पिता ने क्या किया। तो अनीमा के पिता ने उसी को अपनी गोद में ले लिया। उत्तर नंबर चार, अनीमा के पापा ने उसी को पिताजी रहेंगे क्योंकि बुक में पिताजी है, पिताजी मीनिंग तो एक ही है। अनीमा के पिताजी ने उसी को अपनी गोद में ले लिया। हमारी अच्छी नन्ही पूसी आज तो तेरे ही कारण हम बच गए। हम बच गए। ठीक है बच्चों, हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों। ये सारा वर्ग जो मैंने आपको अभी शब्द अर्थ श्रुतले और प्रश्न उत्तर कराए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। और बच्चों इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।